वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे मिक्सी रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यह बजाज कंपनी की यह मिक्सी है, जो कि बल्कि यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर प्लग इन करने पर यह जो कि हमारी वर्किंग नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं इसे हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई में प्लग करते हैं तो आप देख सकते हैं यह है हमारी स्विच ऑन करने पर भी कोई भी बल्कि आवाज़ नहीं कर रही या कोई भी बैनिंग की हमारी यह चालू नहीं हो रही है। दोस्तों इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले इसे ओपन करते हैं बैक साइड से, जो कि हमारे 6 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक, जो कि हमारे यह स्क्रू खोलने के बाद यह हमारी जो कि ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट। इसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वह किस तरह से देख सकते हैं आपको बताते हैं। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है जिस कारण से यह हमारी जो कि वर्किंग नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं यह है हमारे 220 वोल्ट एसी सप्लाई के वायर हैं, जो कि आप देख सकते हैं यह लीड के वायर हैं, जो कि हम इसे खोल कर दिखाते हैं। और यह हमारे कनेक्शन है जो कि रेगुलेटर के साथ हमारे कनेक्शन कम्प्लीट हैं यहाँ पर हमारी। तो दोस्तों जो हमारी रोटरी है जो कि लगी हुई है आप देख सकते हैं, या जो कि हमारी आप बल्कि जो स्पीड है कम स्लो यानी कि कम ज़्यादा करती है, तो यह रोटरी जो कि हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी यह पिघल चुकी है, यानी कि यह हमारी रोटरी जो कि ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले इसे चेंज कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं हमारी जो मिक्सी है ऑन हो रही है कि नहीं, जो कि हमारी यह 4 पॉइंट लगे होते हैं। यह हमारे मेन सप्लाई का वायर होता है जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई का वायर होता है। यह थ्री स्पीड के वायर होते हैं जो कि हमारे बल्कि यह फील्ड से बाइंडिंग की हुए वायर निकलते हैं। इन तीनों वायर को भी हम बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। फिर इसी रोटरी को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले से हम प्लास की सहायता से इसे बल्कि यह रोटरी के ऊपर जो स्विच लगा हुआ है इसे हम बाहर निकाल देंगे सीधा खींचने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से निकल आया है। और इसके बाद टेस्टर की सहायता से जो स्क्रू लगे हुए हैं, जो हमारी रोटरी पे स्क्रू लगे हुए हैं, उनको खोल दें तो हमारी यह रोटरी जो कि बाहर निकल आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारी जो कि रोटरी में होल हो चुका है, जिस कारण से हमारी यह सर्किट बल्कि कनेक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रही है। यह कारण हमारी मिक्सी है जो कि ऑन नहीं हो पा रही। तो यह चेंज करने के बाद हमारी मिक्सी है जो कि 100% की वर्किंग करेगी। इस तरह से हमारी जो कि फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ना ही कारण उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही, सिर्फ रोटरी में जो हमारी प्रॉब्लम है वह सॉल्व करेंगे। यह रोटरी है जो कि हम नई वाली डालेंगे इसमें। तो दोस्तों इस रोटरी को नया डालते हैं। जो हमारा रोटरी स्विच है यह पुराना वाला जो कि 4 पिन वाला है, यह मैंने 8 पिन वाला इसमें यूज़ में ले रहे हैं, जो कि स्टेबलाइजर में यूज़ में लेता है। दोस्तों इसे हम इस मिक्सी में यूज़ में ले रहे हैं जो कि हमारा 8 पिन वाला है। और दोस्तों यह है हमारा मिक्सी का बल्कि रोटरी स्विच है जो कि हमारा 4 पिन वाला है, इसे साइड में रखते हैं, ख़राब हो चुका है। और यह है हमारा न्यू वाला है जो कि हम इसे पहले कनेक्शन है जो कि आपको करके बता दें। यह मेन डिट का वायर है जो कि हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई का वायर है, इसे हम बीच वाली पिन में लगाएंगे जो कि एल पिन हो गई, इस पर एल पॉइंट बना होगा, इसे हम बीच वाली पॉइंट पर लगाएंगे। और बची हुई वायर को हम किसी भी 1, 2, 3 या कोई भी पॉइंट पर हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर पर यह पिन लगा देते हैं, येलो कलर की पिन, और दूसरे नंबर पर हम लगा देते हैं यह रेड पिन, और तीसरे नंबर पर यह वाइट। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो कनेक्शन है इस तरह से आप कनेक्शन भी कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं। अब आते दोस्तों इसे फिट कैसे करते हैं। इसे फिट करने के लिए आपको दोस्तों इसे हम जिस तरह से यह मिक्सी में यह स्विच रोटरी स्विच लगा हुआ तो उसी सेम तरीके से यह रोटरी स्विच को हम इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यह हमारे जो कि होल होते हैं उसी पर हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो रोटरी स्विच है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब आती है दोस्तों इसकी टेस्टिंग के बारे। सबसे पहले यह 220 वोल्ट की सप्लाई में प्लग इन करते हैं इसे वायर को, और इसे हम थोड़ा सीधा रखते हैं कि आपको दिखे। तो दोस्तों इसे हम प्लग इन करते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे वर्क में।
तो दोस्तों हमारी जो मिक्सी ये कम्प्लीटली रिपेयर हो चुकी है, जो कि रोटरी स्विच है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब देख सकते हैं हमारे जो कि पार्किंग सही तरीके से कर रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।